जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि दो एम्पायर के एम्प्र ने सभी को फाइव प्लेन्स में आने को कह दिया था और सभी अब फाइव प्लेन्स में आकर इकट्ठा हो रहे थे अब फिर हम बीबी दोंग को देखते हैं, जो अपने राक्षस गॉड के रियलम में है और कल्टीवेट करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो इसमें असफल हो जा रही है उसे टैंग शांग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि अगर तैंग न होता तो बीबी दोंग की सेकेंड गार्डियन स्पिरिट के अंदर दो एक लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग आ गई होती यानी उन दो पीस की स्पिरिट रिंग आ गई होती अब वहाँ फिर तभी एक एल्डर आता है जो बीबी टोंग को बताता है कि उन्हें ये न्यूज मिली है कि एम्प्र जू पे फाइव प्लेन्स के अंदर अपनी सेना इकट्ठा कर रहा है बीबी टोंग कहती है कि ये अच्छा ही है उसने सही टाइम पर सही फैसला लिया है अगर हमारी ट्रूप वो युद्ध जीत गयी तो पूरे कॉन्टिनेंट पर हमारा राज हो जाएगा अब फिर वो उसे ऑर्डर देती है कि सभी हाइट लेवल के एल्डर्स को अभी मीटिंग के लिए बुला यूथ से रिलेटेड कुछ बात करनी है वो सभी सेवन सेक के मास्टर्स इम्पीरियल स्पिरिट मास्टर्स को जो कि चीफ की पोजीशन पर या चीफ से बड़ी पोजीशन पर है उनको बुलाती है अब सभी वहाँ आ जाते हैं और बीबी टांग कहती है की आप सभी काफी शक्तिशाली हो और अपनी एबिलिटीज की वजह ऐसी यहाँ तक पहुँचे हो अगर तुमने दो तियायर को खत्म कर दिया तो मैं तुम्हारी हर एक विश को पूरा करूंगी सबसे पहले एलिफेंट शील्ड सेक्ट उनके सामने झुक कर कहता है कि वो ऑर्डर उसको फॉलो करेगा और जीत के लिए अपनी जी जान लगा देगा फिर बाकी सभी भी उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं कुछ लोगो को सेक्ट और मशीनरी का मतलब समझ नहीं आया था तो मैं थोड़ा उनको बता दो की सेक्ट या मसीनरीज एक तरह से प्राइवेट आर्मी रहती है जो किसी देश में रहती है देश को जब जरूरत पड़ती है तो वो सेक्ट या मशीनरीज की आर्मी का यूज करता है अब बीबी टोंग कहती है कि अगर तियान दो तिया ने हम पर डायरेक्ट अटैक किया तो उन्हें एक मुश्किल वाली जगह से पास होना पड़ेगा ये मुश्किल वाली जगह बहुत छोटी है और अगर यहाँ हमने उन पर काउंटर अटैक किया तो हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे हम उस जगह पर अपना मोजा बना लेंगे और उन सभी को एक साथ ही हरा देंगे एलिफेंट शील्ड सेक्ट और विंड स्पॉर्ट ऐसी डिफेंस के इंचार्ज होंगे जो ना तो बिना अपनी निगरानी के किसी को अंदर आने देंगे और ना किसी को बाहर जाने देंगे सीक्रेट ड्रैगन सेक्ट ब्लैक टाइगर सेक्ट फायर लियोपार्ड सेक सेक्ट और गोट सेक्ट ये चार सेक्ट चार ग्रुप में बटेंगी और जब वो स्टार्ट होंगी तो फ्रंट लाइन को क्रिएट करेंगी बी सेक में छोटी और एजाइल होती है ये सेक्ट अपने लोगों को उन स्ट्रीट पर उतारेगी जहाँ से तियान दो एम्पायर के लोग पास होंगे ताकि दो एम्पायर की ट्रूप की जानकारी हमें मिल सके इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट काम है जो सिर्फ बी सेक्ट कर सकता है इसलिए वो बाकी सभी लोगो को वहाँ ऐसी भेज देती है अब फिर हम तिया एम्पायर में देखते हैं जहाँ एम्पायर जो ने बहुत बड़ी लाखों की सेना इकट्ठी कर ली थी और मोडो इस सेना को ट्रेन कर रहा था वही अब अंकल स्वत एंड अंकल बोन भी आ जाते हैं और निंग रोंग रोंग उनको देख कर बहुत खुश होती है और अपने पापा को गले से लगा लेती है उसके पापा ने उसे उनकी ट्राइब का लीडर बना दिया है यानी अब की ट्राइब की चीफ निंग रोंग रोंग है अब उनका की बाव ट्राइब जियो बाउ एम्बल ट्राइब बन गया है अब वो बात कर ही रहे थे कि तभी अंकल स्वॉट को किसी के आने की अनुभूति होती है वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दो लोग आ रहे हैं जिसमें से एक स्पिरिट पार मेरी स्पिरिट पार से भी ज्यादा है ये सुनकर सब शौक हो जाते हैं और निंग रॉन्ग कहती है कि ग्रैंड पा की स्पिरिट पार 97 पर है इस पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ गिने चुने लोग ही है जो ग्रैंड पा से ज्यादा स्पिरिट पार रखते हैं आखिर ये कौन हो सकते हैं अंकल पोन समझ जाते हैं कि ये जरूर मार्शल सोल हॉल का हेड फ्लेमेन की अंकल स्व उसके पास अब जाने लगते हैं और सोचते हैं कि वो लेवल 99 पर है अगर उसने अपना वाइड अटैक हमारे ट्रूप्स पर कर दिया तो हमारे ट्रूप्स बहुत ज्यादा घायल हो जाएंगे और अभी तो युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है अगर युद्ध से पहले ही हमारी सेना खत्म हो जाती है तो ये सैनिकों का मनोबल तोड़ देगी इसलिए अंकल स्वॉट तुरंत बिना देखे अपनी कई सारी स्वॉर्ट उन दोनों के ऊपर छोड़ देते हैं और फिर तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों लोग टैंग शैंग और जीव हैं टैंग जीवू बहुत आइकॉनिक स्टाइल में उनकी स्वॉर्ड से बचते हैं तांग शेंग को तो वो स्वॉर्ड छू भी नहीं पा रही थी लेकिन तांग शेंग को जीवू को भी बचाना पड़ रहा था और ये स्वॉर्ड किसी एरे गहरे की नहीं बल्कि अंकल स्वॉर्ड की है इसलिए शेंग को घोसली ट्रेस का यूज करना पड़ता है ये स्किल देखकर अंकल स्वॉर्ड ऊपर से भी बिना देखे समझ जाते हैं कि ये तांग शेंग है वो अपनी स्वॉर्ड को रोकते हैं ंग सीनियर को ग्रीट करते हुए कहता है कि आपका वेलकम करने का स्टाइल हमें पसंद आया अंकल स्पॉट कहते हैं कि आखिर पाँच साल बाद तुम आई हो और मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर का अनुभव हुआ है मैंने निंग रोंग से सुना है कि तुमने ओशन ऑफ गॉड की इनहेरिटेंस एक्सेप्ट कर ली है टैंगशेंग कहता है की जो स्ट्रॉन्ग प्रेशर आपने मेरे अंदर देखा वो असल में गॉड ऑफ ओशन स्पिरिट से आ रहा है अंकल स्पॉट कहते हैं कि जो पर्सन गॉड बनता है उसकी अल्टीमेट सोल बार हंड्रेड पहुंच जाती है और फिर हमें पहली बार असर गॉड की तस्वीर दिखाई जाती है वो तीनों गॉड्स, यानी सी गॉड राक्षस गॉड को याद करता है अभी कन्फर्म तो नहीं है कि ये असुरो गॉड है लेकिन इसके अपेरेंस से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये असुरा गॉड ही होगा वही हम दीन फ्रांडर को देखते हैं जो मोटू के साथ थे और कह रहे थे कि तुमने खाना वाना छोड़ दिया है क्या इतने कमजोर हो रहे हो मोटू कहता है कि मैंने ट्रेनिंग बहुत हार्ड की है और आपके आशीर्वाद से ही मैं ऐसा कर पाया हूँ उसे कहते हैं कि अभी भी तुम शेमलेस हो अब तभी उन्हें आसमान में एक विस्फोट की आवाज सुनाई देती है और उनके साथ साथ बाकी लोग भी वहाँ पहुँचने लगते है और वहाँ हम टैंक्शन और अंकल स्पॉट को कॉम्बैट फाइट करते हुए देखते हैं जिसमें टैंग हार रहा था टैंग फिर अपने हैमर का यूज करता है और अंकल उसके हैमर को भी बड़े स्टाइल में घुमाकर उसकी ही तरफ नीचे फेंक देते हैं जिससे आसपास के सारे पेड़ टूट जाते हैं सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं डीन फ्रेंडर इनकी फाइट को नोटिस करते हैं और कहते हैं कि ये किलिंग इंटेंशन से नहीं लड़ रहे हैं ये सिर्फ ड्यूट है प्रैक्टिस के लिए इसलिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं है मोटू कहता है कि जब हम सी कॉट आइलैंड गए थे तो हम सभी ने एक साथ अंकल स्वॉर्ड से लड़ाई की थी और अंकल स्वॉर्ड ने सिंगल हैंडेडली हम सभी को एक साथ संभाल लिया था हम सातों में से कोई भी अंकल स्वॉर्ड की स्वॉर्ड के आगे नहीं टेक सकता है टाइंग और अंकल स्पॉर्ट अपने अपने अलग अलग वेपन का सहारा लेकर एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे थे अंकल स्पॉर्ड सेवन सोल स्किल की सेवन स्किल फॉर्म का यूज करते हैं शांग, डिफेंस के लिए टाइटल लेफ्टोल स्किल जिसकी टेक्निक टाइटन यूनिवर्सल बॉम्ब है उसका यूज करता है और दोनों के पास फिर एक दूसरे से टकराने लगती है डीन फ्रेंटर कहता है कि ये अटैक कॉन्टिनेंट के टॉप सोल लैंड मास्टर को ही आता है लेकिन ये अटैक सिर्फ एक सोल पोन की टेक्निक ने कैसे रोक लिया मोटू कहता है की आप ये ना भूलिए की टांगशेंग मॉन्स्टर्स का भी मॉन्स्टर है मिस्टर ताई कहता है कि की तैंग अभी हमसे जितना टाइम दूर रहा था जरूर वो अब सोल मास्टर बन गया है अंकल स्पॉट अपनी तलवार से उस पर हमला जारी रखते हैं और तैंगशेंग हैमर से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं वो फिर से कॉम्बाइंड बैटल करने लगते है जिसमे फिर तैगशंग फिर से टाइटन लेफ्ट आर्म सोल बो टेक्निक का यूज करता है और ग्रेविटी प्रेशर को वहां लाकर उनकी तलवार को नीचे गिरा देता है अंकल फिर अपनी एट सोल स्किल का यूज करते हैं और अपनी सबसे ताकतवर स्वट को सामन करते हैं इनकी इस टेक्निक का नाम सेवन किल्स थ्रस इरापन है और उनकी एक तलवार सीधे अब तैंक ग्रेविटी प्रेशर को तोड़ते हुए उसके पास आने लगती है तैन फिर तुरंत गॉड किलर डोमेन को एक्टिवेट करते हैं और तिया नाइन टेक्निक को यूज करते हैं और उन दोनों के पार एक दूसरे से टकराने लगती हैं। इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उनके पास से निकलती है कि आसपास की चट्टान टूट जाती हैं। अब इस विस्फोट को सुनकर बाकी लोग भी आ जाते हैं और अंकल अंकल्स टैंग के इस डिफेंस को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं की तुम अब ग्रैंड ग्रोल मास्टर बन गए हो अब अंकल और फिर अपना पावर अटा जिसको वो कुछ चैंटिंग करके सम्मान करते हैं उसका यूज करते हैं वो चैन करते हैं और उनका स्पिरिट अवतार बहुत बड़ी तलवार लिए उनके पीछे खड़ा हो जाता है इस अटैक का नाम से है। कहता है कहता कि मेरी सोल नाइन्टी 93 पर है यानी सीनियर से चार लेवल कम जब मेरी सोल सोलपार 90 लेवल पर पहुंचेगी, तो हर एक लेवल के बाद मेरी पार में बहुत ज्यादा चेंज आने लगेगा अकेले मुझसे ये अटैक ऐसी डिफेंस नहीं करा जाएगा इसलिए मुझे सी कॉट की पार का अटैक यूज करना ही पड़ेगा वो फिर तुरंत गोल्डन थर्टीन हॉल बर्ड के फर्स्ट मूव जिसका नाम अनस्टॉपेबल वर्ल विंड है उसका यूज करता है और बहुत सारे वर्लपूल बनकर अंकल स्वॉट के ऊपर छोड़ देता है और फिर अपने सी कॉट के स्पिरिट अवतार में आकर उनको वर्लपुल की मदद से फ्रीज कर देता है और फिर उन पर हमला कर देता है लेकिन सीनियर की स्वॉट इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो स्वॉट को खत्म नहीं कर पाता हालांकि स्पॉट थोड़ी सी डी एक्टिवेट हो जाती है जिससे स्पॉट की डायरेक्शन बदल जाती है और टैंक बच जाता है टैंग समझ जाता है कि उसकी वर्ल्ड भी इतनी परफेक्ट तरीके से उसने नहीं सीखी है कि वो कॉन्टिनेंट के बेस्ट सोल मास्टर को मात दे सके अगर आज टैंग नहीं देता तो एट सेकेंड तक फ्रीज रहते रहते भी वो मुझे हरा देते अंकल स्पॉट कहते कि मेरी सोल पर पूरी तरह से दब गई है क्या ये इसके इस मैजिकल स्किल की वजह से हुई है तैंग शेंग कहता है कि मैं अब अपनी हार मानता हूँ अगर अब हम और ज्यादा लड़े तो मैं और अपने को डिफेंस नहीं कर पाऊंगा अब फिर तभी वहाँ ग्रैंड मास्टर आते हैं और तैंगशंग उनको देख कर काफी खुश होता है और वो तुरंत नीचे जाकर उनको ग्रीट करता है वहाँ डीन फ्रेंडर और अर्लोंग भी आते हैं और तैंगशेंग उन्हें भी ग्रीट करता है और सभी श्राइड टेबल्स वहाँ आकर तैंग से मिलते हैं अरलोंग जीवू के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है जिस पर अब जीवू सामने आती है और सभी उसको फिर से पहले जैसा पाकर बहुत खुश होते हैं और अर्लोंग तो जीवू को गले से लगा लेती है क्योंकि जीवू को अरलोंग ने अडॉप्ट कर लिया था दोनों लड़कियां भी जीवू से मिलती हैं और अब वहाँ एम्प्रे जू बंगाते हैं जो टांगशंग के आगे झुकते हैं लेकिन टांगशंग उन्हें खड़ा करता है और कहता है कि आप एम्पर हैं और आपका मेरे सामने झुकना सही नहीं है एम्पर पूरी सेना से कहता है कि ये ब्लू सिल्वर किंग है और आज से इनका आदेश मेरा आदेश होगा सभी लोग एम्पर और तंग शैंग की जीत के नारे लगाने लगते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है इसके अगले एपिसोड का प्रिव्यू रिलीज हो गया है जो आपको एंड स्क्रीन में दिख रहा होगा सो आप वहाँ जाकर उसे जरूर देखें So, अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाय